हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दूध का पराठा बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इस कप से 2 कप ये गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसे मैंने छन्नी से छान लिया है। आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए बिल्कुल हेल्दी बनाना चाह रही हूँ मैं, इसलिए इसके अंदर मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी के अंदर आप 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसका हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। आटा गूंथने के लिए भी मैंने दूध यूज़ करा है। आप चाहें तो पानी से भी इसे गूंथ सकते हैं, लेकिन बच्चे दूध नहीं पीते, हम उन्हें दूध पिलाने के जगह दूध को खिलाने का नया तरीका बता रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल दूध है मेरा, एकदम फ्रीज का ठंडा दूध नहीं लगेगा हमें। इसका आटा गूंथ लीजिए, जिस तरह से हम पराठे का आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको इसका गूंथना है। देखिए आटा मेरा गूंथ के तैयार हो चुका है। इसे आप ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैंने ये पैन लिया है, गैस अभी मैंने ऑन नहीं करा है। 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप ये मैंने पीसी हुई मिश्री ली। आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें मिश्री यूज कर रही हूँ। 5 इलायची को मैंने कूट के तैयार कर लिया है, इसे भी आप डाल दीजिए। मैंने ये 12 काजू और 12 बादाम लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से बारीक पीस लिया है। इसका पाउडर बनाना आपको एकदम मिक्सी को रुक रुक के चलाना ताकि इसका एकदम बढ़िया पाउडर बने। इन सारी चीज़ों को एक बार आप थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा मैंने 1/4 कप दूध लिया है, मैंने गैस अभी ऑन नहीं करा है। इसे हम आधा डालेंगे पहले। इसे हमें ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है। इसे मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। मैंने अब गैस को चालू कर दिया है, गैस मेरा ऑन है। इसे आपको थोड़ा सा ही करना है ताकि इसमें जो शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरह से आप चलाते जाइए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया। गैस अभी मैंने तेज रखा है। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद गैस को कम कर देंगे। इसके अंदर ही मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डाल के इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस मैंने अब कम कर दिया है। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है। गैस अब मैं बंद कर रही हूँ, इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। हमारी स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है आटे को थोड़ा सा सेक लेते हैं। देखिए आटा हमारा एकदम बढ़िया फूल गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच। थोड़ा आप हाथों में भी लगा लीजिए और आटे को थोड़ा चिकना कर लीजिए। कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट आटा हो गया है हमारा। मैंने इसकी 7 लोई तोड़ के तैयार कर ली। इसे इस तरह से दबाते हुए आपको अच्छी सी लोई बनानी है, चिकनी लोई बनना चाहिए। देखिए इस तरह से पीछे पूरा कवर हो गया है, कहीं भी इसमें दरार नहीं आ रही। आप इसे दबा के बनाएंगे, थोड़ा सा ताकत लगाएंगे हाथों से तो ये इजीली बन जाएगी। ये इस तरह से आप सारी बना के तैयार कर लीजिए। देखिए स्टफिंग मेरी एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा हाथों पे घी लगा लिया है। इसे इस तरह से एक जैसा कर लीजिए और इसकी 7 लोई, आप जैसे 7 मेरी इसकी बन रही तो इसकी भी मैं 7 लोई तोड़ लूँगी। इस तरह से आप बराबर बराबर 7 पीस इसके कर लीजिए। इसकी भी मैंने बराबर 7 लोई कर ली, जिस तरह से आटे की करी थी। इतने आटे और इतने मिल्क पाउडर में 7 पराठे हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं। इसे हमें थोड़ा सा मीडियम बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। थोड़ा सी इसे आप आटे में कर लीजिए, हाथों में रख के इसे थोड़ा सा फैला देंगे हम इस तरह से। बस इतना ही कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि पूरा अच्छे से आ
आटे के अंदर फैल जाएगा। आप चाहें तो गोल, आप चाहें तो चौकोर, किसी भी आप शेप में इस पराठे को बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सूखे आटे में इसे लगाया है, इस तरह से आप इसे बेल लीजिए। एकदम पतला भी मत कीजिए और एकदम मोटा भी नहीं रखना हमें, मीडियम बेलना है इसे। ये देखिए इस तरह से मेरे बिल के तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी स्टफिंग जो हमने डाली थी इसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। इसे अब हम सेकने के लिए डालेंगे। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, इसके अंदर ये पराठे डाल रही हूँ। गैस को मैंने अभी मीडियम रखा है। पराठे को एक बार हम पलट देते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे। इस तरह से पूरे पे अच्छे से लगा दीजिए। लगाने के बाद इसे एक बार आप पलट दीजिए। उसके बाद इस साइड हम इस पे घी लगा देंगे। गैस को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम गैस पे इसे आपको सेकना है। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाइए। इसे प्रेस करके अच्छे से सेक लीजिए। मैंने इसे एक बार पलट दिया था, इसे पीछे से भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आ गया है, इसे आप हटा दीजिए। इसी तरीके से आप सारे पराठे सेक के तैयार कर लीजिए। मेरे सारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया है। हमने दूध में आटा मसला है, इसीलिए इनका कलर एकदम बढ़िया आया है। आपको मैं एक पराठा अंदर से खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी जो स्टफिंग हमने भरी थी, कितनी अच्छे से इसमें फिलिंग आई है, पूरी अच्छे से भर गई है। इस तरह से कितना सॉफ्ट है पराठे, देखिए ना ही इसके अंदर हमने कोई मोन डाला है। विदाउट मोन के कितने सॉफ्ट पराठे बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।